नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे जैसे लोगों को नई ओल्टो K10 के बारे में पता चलता जा रहा है कि ये गाड़ी जल्दी मारुति सुजुकी लॉन्च करने वाली है, वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता इस गाड़ी में बढ़ती जा रही है। इस गाड़ी के बारे में दोस्तों मैंने दो वीडियो भी बना दिए हैं, और पहला जो वीडियो था वो काफ़ी जल्दी में बनाया था क्योंकि मैंने सोचा सबसे पहले आपको ये खबर दी जाए। उसके बाद काफ़ी सारे चैनल पर वीडियो आने लगे, और कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गाड़ी के डायमेंशन और जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताया था। तो अभी दोस्तों मेरे पास और भी इन्फॉर्मेशन आ गई इस गाड़ी के बारे में, जिसमें हम इंजन स्पेक्स और इसमें मिलने वाले फीचर, माइलेज वगैरह के बारे में भी जानने वाले हैं, और जानने वाले हैं कि इंजन में क्या बदलाव किए हैं कंपनी ने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जिस जगह मैं आया हुआ हूं, ये जगह मेरी फेवरेट जगह है। यहां पर जो है काफ़ी हरियाली रहती है, और मैं आया हुआ हूं अपनी बाइक से, स्प्लेंडर से। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इंजन की बात करें तो इसमें वही इंजन मिलने वाला है जो हाल ही में मारुति सुजुकी ने सेलेरियो में लॉन्च किया है, यानी कि इसमें 1 लीटर का ही इंजन मिलेगा K10C सीरीज का। अब यहाँ पर पावर आउटपुट की बात करें तो इस इंजन से दोस्तों आपको मिलने वाला है सेम पावर। अगर BHP की बात करें तो 67 BHP मिलने वाला है, जो कि पुरानी ओल्टो K10 में भी मिलता था, ठीक है। और इसके अलावा अगर टॉर्क की बात करें तो 1 Nm का टॉर्क आपको पुरानी ओल्टो K10 के मुकाबले इस इंजन से मिलने वाला है, यानी 89 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। और सबसे बड़ा जो इसमें प्लस पॉइंट मैं कहूँ कि या फिर इसकी USP होगी, वो होगा इसका माइलेज। आपको पता है सेलेरियो में ये जो इंजन है करीब 27 KMPL के करीब माइलेज निकाल के देता था। अब इसमें बताया जा रहा है दोस्तों ये जो फ्यूल इकोनॉमी है 28 की हो जाएगी। अभी तक जो सेलेरियो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया की फ्यूल एफिशिएंस कार है, तो अब जो है ये रिकॉर्ड ओल्टो K10 तोड़ सकती है, ऐसी खबर आ रही है। 28 के करीब जो है आपको पेट्रोल इंजन के साथ में माइलेज मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि हाइब्रिड जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे भी ज़्यादा है। तो अभी जो है इंजन के बारे में हमने जान लिया, बाकी और फीचर की बात करें तो मेरे पास जो है जो जानकारी है उसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 6 कलर मिलेंगे, तो 6 कलर का ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर व्हील साइज़ की बात करें तो दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि इसमें आपको 14 इंच के व्हील मिलने वाले हैं, जिस तरह से आपको एस्प्रेसो में मिलते हैं 14 इंच के व्हील, वो मिलने वाले हैं। और ऐसी खबर भी है कि दोस्तों इसमें टॉप मॉडल में अलॉय व्हील का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात जो है इसका प्राइस ही होगा। दोस्तों प्राइस देखने वाली बात है कि कंपनी कितना रखती है। मुझे लगता है कि इसका प्राइस 4 लाख के अंदर ही होगा, यानी 3.99 लाख के करीब जो है इसका प्राइस हो सकता है। अब बाकी के फीचर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, साथ में केबिन स्पेस और बूट स्पेस भी बढ़ जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मारुति का वही 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलेगा, टॉप मॉडल में मिलेगा जहाँ तक है। और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो डिज़ाइन है वो भी जो है फ्यूचरिस्टिक है, और अभी की गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ओल्टो की जो जनरेशन आ रही है शुरू से ही जो है सेम डिज़ाइन दे रही है। थोड़े बहुत जो है चेंजेस करते जा रही थी कंपनी, लेकिन अभी टोटली गाड़ी को चेंज कर दिया है। अब कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि सर जो पुरानी ओल्टो K10 है उसकी झलक तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। आपको पूरी तरह से गाड़ी नई है, और जो इंजन है उसमें काफ़ी सारे बदलाव हैं, क्योंकि BS6 इंजन है और इसमें डुअल जेट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि डुअल जेट टेक्नोलॉजी है क्या। एक्चुअली दोस्तों जो डुअल जेट टेक्नोलॉजी जिस चीज़ को मारुति बोल रही है वो है डुअल इंजेक्टर सिस्टम। इसमें दोस्तों आपको एक सिलेंडर में 2 इंजेक्टर दिए जा रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिल रहा है, और साथ में आपको जो है अच्छा खासा जो है पावर आउटपुट भी निकाल के देती है गाड़ी। हालांकि पहले की तुलना में देखा जाए तो माइलेज तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, करीब 15% माइलेज जो है सभी डुअल जेट इंजन वाली गाड़ियों में बढ़ गया है, लेकिन थोड़ा सा पावर कम है। जैसा कि मैंने कहा कि 1 Nm का टॉर्क आपको कम मिलता है, तो हालांकि ये जो चीज़ें इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी, लेकिन चलाने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में गाड़ी कैसी चलती है। मुझे लगता है कि ये जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली है, क्योंकि जिन लोगों को अगर काफ़ी ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी चाहिए फिर वो जो है इसी गाड़ी पे जाएंगे। और ये जो गाड़ी है जैसा कि मैंने कहा 4 लाख से स्टार्ट होगी, और इसका जो टॉप मॉडल है वो जो है 5 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा, 5.5 तक पहुंच जाएगा। और अगर सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें आपको डुअल एयरबैग मिलेंगे, ABS मिलेगा, EVD मिलेगी, पार्किंग सेंसर मिलेंगे, और जो सेफ्टी नॉर्म्स
कंपलसरी है इंडिया में, वो आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसमें एक जो फीचर है जो कि ऑल्टो में भी आता है, जो कि है स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ये भी एक सेफ्टी फीचर है, ये भी आपको मिलने वाला है। बाकी के जो सेफ्टी फीचर है वो अभी सामने नहीं आए, लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिली मैंने आपको बताया, और जैसे ही मुझे और भी जानकारी मिलेगी वैसे मैं आपको बताऊंगा। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त को कंपनी इसको अनवील कर सकती है या कहें कि लॉन्च कर सकती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था कि इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी मिल जाए, जिससे जो है थोड़ा सा जो माइलेज है वो बढ़ जाता है। अगर आइडल में गाड़ी ज़्यादा देर तक खड़ी हुई है फिर जो है ऑटोमेटिक इंजन ऑफ हो जाएगा, तो ये फीचर भी आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। तो ये सब जानकारी दोस्तों अभी निकल के आ रही है ऑल्टो K10 के बारे में, और यहाँ पर है हमारी स्प्लेंडर, और ये जो स्प्लेंडर दोस्तों इसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, एक्चुअली ये जो है YouTube की अर्निंग से ही हमने परचेस की थी और इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था। तो ये सब जानकारी थी नई ऑल्टो K10 के बारे में, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।